अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूँ। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग आओ पा बच्चों के। तो संदीप महेश्वरी सर उनके यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करने वाले। इसका रीजन ये है कि विवेक बिंद्रा ने जिन भी लोगों के साथ स्कैम किया था, विवेक बिंद्रा उन लोगों को पैसे वापस नहीं कर रहे। लेकिन संदीप महेश्वरी सर ने एक फैसला किया है कि जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है वो संदीप महेश्वरी सर उनके सारे पैसे वापस कर देंगे, वो भी उनके यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद, जो कि 2-3 महीने में वो बंद भी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि संदीप महेश्वरी सर ने एग्जैक्टली विवेक बिंद्रा और मोनेटाइजेशन ऑन करने के बारे में क्या कुछ कहा है। इस एक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते 1,00,000 लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जाकर के FIR करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले FIR नहीं करते हैं तो उनको सारे सर्कुलर्स दिखाने चाहिए कि भाई RBI ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप FIR नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। तो उन्हें FIR लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से FIR लॉन्च करते हैं, तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं लाइक CBI एंड ED, वो सब एक्शन में आ जाएंगी। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते हैं। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 FIR लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं है। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है?